हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया, और हमारी लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख पाए। हाय दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से होने वाली बातचीत की बाधा। यानी कि आप किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हो और वो सामने वाला व्यक्ति जानता है, बात करने का मतलब आप मोबाइल पे चैट करना चाहते हो उस लैंग्वेज में जो वह जानता है। मान लो वो पंजाबी जानता है और आपको पंजाबी, तो उसका सलूशन क्या है? मान लो आपको इंग्लिश आती है, उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती, तो उसका उपाय क्या है? मान लो उसको फ्रेंच आती है, आपको इंग्लिश आती है, तो उसका उपाय क्या है? इन सभी बातों पर आज मैं ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले आप जाएंगे जी बोर्ड को आपको डाउनलोड करना है, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर आपको टाइप करना है जी बोर्ड। जी बोर्ड आपने टाइप किया, इस तरह से ये एप्लीकेशन आएगा जिसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसे ओपन करके इसको कंप्लीट कर दिया है। मैंने इसकी सारी सेटिंग्स, इसमें मैंने जो जो मुझे लैंग्वेज इसमें चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। ऐड कीबोर्ड से आप यहाँ से जो जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद में आपको एक काम और करना है, वो ये है कि गूगल प्ले स्टोर से गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट ऐप आपको इंस्टॉल कर लेनी होगी। ये भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। इसकी भी जो जो भी परमिशंस है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेनी। तो अब शुरू करते हैं कि जी बोर्ड का ख़ास उपयोग क्या है किसी भी लैंग्वेज में। अब जैसे कि मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट देख लीजिए कि मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ और मुझे जी बोर्ड की सहायता से मैसेज करना है किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जी बोर्ड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है। इसको सेलेक्ट करने के लिए आप सीधे से सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप लैंग्वेज और इनपुट में जाना है। लैंग्वेज इनपुट के बाद में आपको यहाँ पे कीबोर्ड सेलेक्ट करना होगा। कीबोर्ड सेलेक्ट में आपको जी बोर्ड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। चाहे आपका कोई सा भी मोबाइल हो, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ। अगर अब इसमें चेंज करना है आपको, हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश है, तो जैसे कि ये लैंग्वेज चेंज होती है इस तरह से जी, ये इतने सारे इसमें फंक्शन है। ये जी बोर्ड आ गया। जी बोर्ड के अंदर आपको करना क्या है, मान लो आपको ये टच किया आपने, इस जी का जो ऑप्शन है उसको टच किया आपने। इसके बाद में गूगल ट्रांसलेट का एक छोटा सा यहाँ पे सिंबल होगा, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में आपके पास में यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों तरफ की लैंग्वेज आ जाएंगी। मान लो आपको इंग्लिश, आप इंग्लिश जानते हो और वो आदमी हिंदी जानता है, ठीक है, ठीक है। उसने आपसे जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी करना है आपको यहाँ पे, तो मैसेज टाइप करना, आप जैसे आप हिंदी जान रहे हो तो आपको से हाउ आर यू लिखा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हाल है टाइप हो गया। जैसे यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा तो वहाँ पे शुभ प्रभात हो गया। जैसे यहाँ पे हाई लिखा तो वहाँ नमस्ते हो गया। इसी तरह से इस लैंग्वेज को ऐसे भी सेट कर सकते हो। आप हिंदी जानते हो, सामने वाला इंग्लिश जानता है, तो भी आपको हिंदी में यहाँ पे टाइप करना है कैसे हो, ये तो कैसे का हाउ हो गया,
कैसे हो, तो ये हो गया, सॉरी यहाँ टाइप करना था, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया कैसे हो, या यहाँ पे लिख दिया क्या कहाँ जा, जैसे छ यहाँ पे ये रहा, जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो इस तरफ से आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो। मान लो सामने वाले ने कोई मैसेज किया आपको, उस मैसेज को आपको यहाँ पे इंग्लिश में आया आपके पास में, तो उसे आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी। जैसे कि कोई भी मैसेज है, जैसे कि आपका इस जी बोर्ड को आप सभी एप्लीकेशनों में यूज़ कर सकते हो, मैसेजिंग ऐप, व्हाट्सएप, सब जगह पर आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो जैसे कि मान लो ये व्यक्ति है, इसको मैंने कुछ भी लिखा, तो जी बोर्ड की सहायता से मैं क्या है, जी बोर्ड की सहायता से मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट करके लिख सकता हूँ। जैसे हिंदी में लिखूँगा, इंग्लिश में लिखूँगा, ठीक है, हाय, तो उसको नमस्ते लिख दे। अब नमस्ते आ गया उसको, तो उस नमस्ते को आपके पास में उसका मैसेज आया, उसका मैसेज जो आया है उसको आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पेस्ट करोगे तो आपको, सॉरी वो कॉपी नहीं हो पाया था, जैसे यहाँ पे मैंने नमस्ते लिखा है, उसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो इसकी ये हिंदी से इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। हिंदी में है तो ये इंग्लिश में चेंज हो गया, हेलो हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारी लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेज है कि आप